नमस्कार दोस्तों, सरकारी न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई, क्योंकि बहनों को जो है यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। सरकार के द्वारा जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी एनजीओ को सौंपने का काम किया जा रहा है, जो कि एक बहुत गलत कार्य है जिसका विरोध किया जा रहा है। तो बहनों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को पल्ले स्कूलों के नाम पर एक निजी एनजीओ को सौंपने का विरोध शुरू हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को पल्ले स्कूलों के नाम पर निजी एनजीओ को सौंप रही है, जो कि जन विरोधी कदम है। उसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एनजीओ को कोई रिपोर्ट नहीं देगी। उन्होंने सरकार के इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंगनबाड़ी को ताले लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह ताले तब तक खुलेंगे जब तक सरकार जो है महिला एवं बाल विकास की मंत्री आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो कहना है वो ना मान ले। तो बहनों, हरियाणा के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस पर आपकी राय क्या, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंगनबाड़ी की न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती है। धन्यवाद।